सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे टेक्स्ट फंक्शन के बारे में, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में कुछ फंक्शन टेक्स्ट फंक्शन के आपको बता चुका था। एंड इस वीडियो में हम मोर फंक्शन देखेंगे, जो कि होते हैं लेफ्ट, राइट, मिड, कॉन्केट, पॉइंट, सर्च, रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट। तो हम इनका यूज कैसे कर सकते हैं, तो एक एक करके मैं सबको देख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने डेटा दिया है कंप्यूटर वर्ल्ड ट्यूटोरियल, जो कि मैंने तीन टेक्स्ट लिखे हैं तीन सेल में। आप यहाँ पे एक एक करके सारे फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं कि कौन सा फंक्शन हमें क्या चेंजेस देता है एंड किसका कौन सा यूज है, सो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मूव करता हूँ लेफ्ट फंक्शन के बारे में, जो कि कैसे यूज़ होता है, तो हम देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रेस किया लेफ्ट, तो ऑटोमेटिकली वो हमारा लेफ्ट आ चुका है। अब लेफ्ट फंक्शन कहता क्या है कि रिटर्न्स द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द करेक्टर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग। मतलब कि लेफ्ट क्या होता है कि जो हमारा कैरेक्टर होता है, जो कि हमारा टेक्स्ट होता है, उसके लेफ्ट के नंबर को देता है जितने हमें चाहिए होते हैं। अब उसको हम कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लेफ्ट लगाया एंड देन सेल पे कनेक्ट किया, एंड देन आपको कितने नंबर चाहिए लेफ्ट के, जो कि हमारा करेक्टर या टेक्स्ट हमारा जो स्टार्ट हुआ है उस करेक्टर के आपको कितने नंबर चाहिए उस टेक्स्ट के। तो गाइस यहाँ पर सपोर्टेड मैंने तीन नंबर चाहिए, तो गाइस यहाँ पे मैंने एंटर किया, तो देखो कंप्यूटर के हमारे लेफ्ट के तीन नंबर हमें मिल चुके हैं। तो गाइस लेफ्ट फंक्शन हमारा यही यूज होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सपोर्ट लिखा होता मंडे, तो मंडे के मुझे कितने करेक्टर चाहिए होंगे, तो मैंने सपोर्टेड यहाँ पे लिखा है कि मुझे मंडे सेल के टू करेक्टर चाहिए, तो वहाँ पर मैं टू करेक्टर सेलेक्ट कर दूंगा एंड लेफ्ट फंक्शन की यूज करके, तो वहाँ पर मुझे क्या दे देगा एम ओ, बिकॉज मंडे के स्टार्टिंग के टू करेक्टर हैं हमारे एम ओ, तो वो हमें प्रिंट करके दे देगा। तो ऐसा ही हमारा यूज़ होता है यहाँ पर लेफ्ट फंक्शन का। तो बस ऐसा ही सेम फंक्शन होता है हमारा राइट। तो राइट फंक्शन क्या करता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर लेफ्ट फंक्शन में हमें लेफ्ट की वैल्यू दे रहा था एंड ऑल्सो राइट फंक्शन में हमें वो राइट की वैल्यू देगा। वैसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही मैंने प्रेस किया राइट, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रिटर्न्स द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द करेक्टर फ्रॉम द एंड ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग। मतलब कि स्ट्रिंग के एंड की नंबर को हमें देता है। वैसे यहाँ पे देखते हैं राइट, एंड यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ वर्ल्ड वाली सेल एंड मुझे कितने यहाँ पर वैल्यू चाहिए टू। देखो गाइस यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया टू, तो गाइस वहाँ पे मुझे दे दिया एल डी, बिकॉज ये हमारी जो वर्ल्ड स्ट्रिंग है उसके मुझे अभी जैसे मैंने प्रेस किया था राइट, तो आपको दिख रहा था वहाँ पे कि वहाँ पे क्या लिखा था कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसके एंड के करेक्टर्स को देता है जितने मुझे चाहिए होते हैं। तो मैंने यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करके वैल्यू दी थी टू वैल्यू दी थी, तो यहाँ पर उसने मुझे एल डी दे दिया है, मतलब कि टू करेक्टर मुझे दे दिए हैं। अब यहाँ पे सेम फंक्शन हमारा मिड होता है कि मुझे कितने मिड की नंबर चाहिए, वही फंक्शन होता है। तो आप यहाँ पे मिड का भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको दिखा देता हूँ मिड एंड ऑल्सो सेल सेलेक्ट की है एंड मुझे थ्री लेफ्ट से चाहिए, थ्री राइट से चाहिए एंड कितने दे सकता है, तो देखो मुझे दे दिया टी ओ आर, मतलब यहाँ से थ्री करेक्टर मुझे दे दिए मिड की टी ओ आर एंड कॉनकेटिनेट। मतलब हम अपनी स्ट्रिंग को कैसे कॉनकेट कर सकते हैं। सपोर्टेड यहाँ पे मेरी कंप्यूटर वर्ल्ड ट्यूटोरियल तीनों अलग अलग सेल में है, सपोर्टेड मुझे एक ही सेल में चाहिए इनको कॉनकेटिनेट करके। तो हम वो उसको कैसे कर सकते हैं, तो मैं उसको कैसे करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर फंक्शन यूज किया है कॉनकेटिनेट, तो यहाँ पे आ गया जॉइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। मतलब कि यहाँ पे सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग को वो एक टेक्स्ट स्ट्रिंग में ज्वाइन कर देता है, कॉनकेटिनेट का यही मीन्स होता है। तो आपको यहाँ से अच्छे से दिख जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे वन सेल सेलेक्ट कर ली। अगर आपको जैसे आपको कॉनकेटिनेट करना है तो आप कैसे कॉनकेट कर सकते हैं, तो उसको आपको कॉमा से सेपरेट करना होगा सेल बाई सेल। जैसे मैंने प्रेस किया कॉमा एंड देन इस वाली सेल को एंड देन इस वाली सेल को, मतलब आपको जितनी भी सेल को ज्वाइन करना है तो आप उसको कॉमा से सेपरेट करके ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे कंडीशंस दे सकते हैं एंड देन एंटर। तो गाइस अभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरा विथआउट स्पेस आया है कंप्यूटर वर्ल्ड ट्यूटोरियल। गाइस आपको स्पेस के साथ चाहिए तो आपको क्या करना होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर कॉमा से सेपरेट कोट्स देना होगा, जो कि हमारा एक स्पेस काउंट करेगा।
एंड देन कॉमा एंड स्पेस। तो यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया है, एरर आ जाएगा कॉमा। ओके गाइस, यहाँ पे अगर अब मैं एंटर करता हूँ, सो गाइस अब देखिए कंट्रोल, अरे सॉरी कॉमा कोट्स कॉमा एंड कॉमा कोट्स कॉमा। ओके गाइस, हमारा वाला फंक्शन यूज हो चुका है कंप्यूटर वर्ल्ड का। एंटर। ओके सो गाइस, यहाँ पे हम कॉनकैटिनेट का ऐसे ही यूज कर सकते हैं जो एक से ज़्यादा स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए। एंड ऑल्सो हमें फाइंड एंड सर्च रिप्लेस सब्स्टिट्यूट फंक्शन का कैसे यूज़ करना है वो भी मैं देख लेता हूँ कि फाइंड फंक्शन क्या करता है। जैसे कि मुझे कंप्यूटर में से अपनी वैल्यू को फाइंड करना है, यहाँ पे सी को सपोर्टेड यहाँ पे ट्यूटोरियल है, इसमें हमारी टी यू टी ओ आर आई ए एल ये सारे वर्ड्स हैं। अब मुझे सपोर्टेड इसको यहाँ पे यूज़ फाइंड फंक्शन यूज़ करके हमें टी को सर्च करना है कि टी जो है हमारा कितने नंबर पे है। तो हम वहाँ से फाइंड का फंक्शन का यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फाइंड एंड देन मुझे क्या सर्च करना है वो मुझे पहले देना होगा। जैसे मुझे टी सर्च करना है टी एंड मुझे कौन सी सेल में से सर्च करना है वो मुझे उसके बाद में देना होगा। तो गाइस देखो, गाइस टी जो है वो हमारी थर्ड नंबर पे है। अब गाइस एक आपको मैं यहाँ पे एक सस्पेंस आपको खोलूँगा यहाँ पर। जैसे कि फाइंड एंड सर्च वैसे तो हमारे सेम सेम फंक्शन होते हैं, जो कि हमारी सेम, जैसे फाइंड भी वैल्यू को फाइंड करने के लिए ही यूज़ होता है एंड सर्च भी हमारी वैल्यू को फाइंड करने के लिए ही यूज़ होता है। तो गाइस यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने सर्च किया एस ई ए आर सर्च फंक्शन लिखा एंड यहाँ पे लिखा मैंने टी टी एंड सेल कौन सी हमारी ट्यूटोरियल वाली सेल है। ओके एंड देन एंटर। गाइस अब क्या है, यहाँ पे मैंने टी को सर्च किया था वो थर्ड नंबर पे आया है, बट यहाँ पे मैंने टी को सर्च किया था वो वन नंबर पे आया। ऐसा क्यों? बिकॉज जो हमारा सर्च फंक्शन होता है वो हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता है, वो हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता है। एंड जो हमारा फाइंड फंक्शन होता है वो केस सेंसिटिव होता है। जैसे कि मैंने वहाँ पे केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैंने फाइंड फंक्शन में स्मॉल टी सर्च किया था तो उसने मुझे स्मॉल टी का ही नंबर बताया कि स्मॉल टी हमारे कितने नंबर पे है। एंड यहाँ पे सर्च में मैं कोई भी चेक कैपिटल या स्मॉल कोई भी करेक्टर प्रेस करूँ सर्च करने के लिए तो वो हमें ओनली करेक्टर के नेम से ही नंबर्स देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर सपोज दैट मैं टी कैपिटल भी प्रेस करता तो भी मुझे वो वन वैल्यू प्रेस वो शो करके दिखाता। एंड ऑल्सो अगर मैं स्मॉल भी मैंने जैसे अभी आपको करके दिखाया तो उसने मुझे वन ही दिखाया, बिकॉज जैसे ही उसने यहाँ पर फाइंड करना स्टार्ट किया होगा तो उसने देखा होगा टी हमारी वन पोजिशन पर है, तो उसने मुझे यहाँ पर वन प्रिंट करके दिखा दिया है। तो गाइस यही डिफरेंस है फाइंड एंड सर्च में, कि हमारा फाइंड होता है के सेंसिटिव, जो कि हमारी कैपिटल और स्मॉल लेटर को अलग अलग तरीके से फाइंड करके दिखाता है। एंड ऑल्सो सर्च हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो गाइस यहाँ पे हम रिप्लेस का कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम देखते हैं कि रिप्लेस कैसे यूज़ करते हैं। गाइस यहाँ पे देखते हैं रिप्लेस एंड ऑल्सो रिप्लेस में कैसे करते हैं। मुझे क्या करना है, सेल सेलेक्ट की एंड सेल के मैंने थ्री करेक्टर से स्टार्ट किया एंड टू करेक्टर को रिप्लेस कर दिया, किससे कर दिया मैंने सी ओ एम से कॉम से एंड टेन। ओके गाइस यहाँ पे देखो ट्यूटोरियल जो हमारा था वो थर्ड करेक्टर से मुझे चेंज करना था, तो वो टी यू एंड इसके बाद मेरा थर्ड करेक्टर चेंज हो चुका है, जो कि हो चुका है कॉम, मतलब टी कॉम रियल जो हमारा आ चुका है वो हमारा रिप्लेस हो चुका है। तो गाइस आप रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आप सेल सेलेक्ट कीजिए एंड देन आपको कितने करेक्टर के बाद से चेंज करना है एंड कितने करेक्टर आपको चेंज करना है, तो वो आपको वहाँ से रिप्लेस करके दिखा देगा। एंड हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट की, तो सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ऐसे ही मैंने फंक्शन लिखा सब्स्टिट्यूट एंड सब्स्टिट्यूट में क्या आता है, सब्स्टिट्यूट में आता है कि जैसे मैंने सेल सेलेक्ट की एंड यहाँ पे मैंने क्या किया कि मुझे स्मॉल टी की जगह क्या चाहिए, स्मॉल टी की जगह चाहिए मुझे कैपिटल एम।
स्मॉल टी के जगह चाहिए मुझे कैपिटल एम एंड देन एंटर। तो देखो जो हमारा स्मॉल टी था वहाँ पे हमारा आ चुका है कैपिटल एम। गाइस तो हमारी वैल्यू सब्सटीट्यूट हो चुकी है, मतलब टी की जगह मैंने कैपिटल एम कर दिया। तो गाइस इस सारी फंक्शन जो कि मैंने आपको दिखाए हैं, आई होप कि आपको पसंद आया होंगे एंड आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे कि लेफ्ट फंक्शन हमारा क्या करता है, राइट क्या करता है, मिड क्या करता है, कॉन्कैटिनेट क्या करता है, फाइंड क्या करता है, सर्च, रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट ऑल फंक्शन हमारे कैसे वर्क करते हैं एंड कैसे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ आपको नीड हो। सो गाइस थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेट फंक्शन के बारे में।